रिंकू सिंह इस वक्त आईपीएल का सबसे बड़ा नाम, एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने दम पर मैच जिताता है, एक ऐसा खिलाड़ी वो जब भी मैदान पर आता है चौके छक्कों की बरसात करता है। लेकिन आखिर रिंकू सिंह यहाँ पहुंचे कैसे, कौन है उनका गॉडफादर जिसके दम पर रिंकू सिंह आज आईपीएल का सबसे बड़ा सितारा बन गए, कौन है वो खिलाड़ी जिसे अपना आदर्श मानते हुए रिंकू सिंह आज चमकता सितारा बन गए हैं, कौन है वो इंसान जिसने रिंकू सिंह को एक एलपीजी सिलेंडर के गोदाम से आईपीएल के मैदान तक पहुंचा दिया। तो चलिए आज हम आपको रिंकू सिंह की वो अनसुनी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि वास्तव में मेहनत और जुनून की ये सफर कितना शानदार रहा है। गॉडफादर, इस शब्द के मायने बड़े हैं। कहते हैं कि मेहनत को अगर गॉडफादर का साथ मिल जाए तो कामयाबी के फंक लगना आसान हो जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी रिंकू सिंह की भी है। छोटे कद और गठीले बदन वाले रिंकू सिंह आज भारतीय क्रिकेट का सितारा और क्रिकेट फैंस के चहेते बन गए हैं। तो उनकी इस कामयाबी के पीछे है उनका एक गॉडफादर। आखिर कौन है रिंकू सिंह का वो गॉडफादर जिसने एलपीजी गोदाम से दिन रात काटने वाले एक लड़के को भारतीय क्रिकेट के मैच विनर की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। कौन है रिंकू सिंह का वो आदर्श जिसे रिंकू सिंह केवल अपना आदर्श मानते हैं और सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो इन तमाम सवालों के पीछे केवल एक ही नाम आता है। आईपीएल में आज कामयाबी के शिखर पर चढ़े रिंकू सिंह को जब आप देखते हैं, उन्होंने वहां तक की चढ़ाई अपने हुनर और मेहनत से हासिल की है, लेकिन इसके पीछे सुरेश रैना का बड़ा हाथ रहा है। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो इसका जवाब जानने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाकर रिंकू सिंह के बैकग्राउंड स्टोरी को समझना पड़ेगा। ये बात तब की है जब रिंकू सिंह एलपीजी सिलेंडर के गोदाम में वक्त बिताया करते थे। एक दिन अचानक ही वहां सुरेश रैना पहुंचते हैं। ये देखकर रिंकू सिंह तो हैरान रह जाते हैं, लेकिन उस एलपीजी की खान में सुरेश रैना की नजर रिंकू सिंह पर पड़ती है। जब वो क्रिकेट को लेकर अपने जुनून के बारे में जानते हैं, सुरेश रैना रिंकू सिंह का पूरा बीड़ा उठाने की ठान लेते हैं। रिंकू सिंह को आम से खास क्रिकेटर बनाने का काम सुरेश रैना शुरू कर देते हैं। इस कोशिश में वो पहला काम करते हैं उन्हें यूपी की टीम में जगह दिलाने में मदद करना। इतना ही नहीं, उनके क्रिकेट किट और ट्रेनिंग में आने वाले सारे खर्चे भी सुरेश रैना खुद उठाते हैं। सुरेश रैना की उसी प्रयत्न का नतीजा ये है कि आज रिंकू सिंह का नाम हिंदुस्तान के घर घर में गूंज रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से एक मुलाकात ने रिंकू सिंह की किस्मत को बदल दिया, किस तरीके से सुरेश रैना ने एक एलपीजी के गोदाम में काम करने वाले इंसान को क्रिकेट के मैदान का भगवान बना दिया, एक आम से इंसान को सुरेश रैना ने कैसे आईपीएल का सबसे खतरनाक फिनिशर बना दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि गॉड फादर किसी भी इंसान, किसी भी क्रिकेटर के लिए बड़ा काम करता है, और रिंकू सिंह के सबसे बड़े गॉड फादर सुरेश रैना है जिन्होंने उन्हें क्रिकेट में एक बड़ा आयाम और मुकाम हासिल करवाया। तो आपका रिंकू सिंह की इस कहानी पर और सुरेश रैना के इस कदम पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।